हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। सो, आज मैं एक व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ मार्केट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलूँ। तो बस अभी टाइम हुआ है, 3:30 हुए हैं शाम के, तो मैं जा रही हूँ। साथ में हम सब पूरी फैमिली जा रही हैं। मम्मी जा रही हैं, मेरी मम्मी भी आई हुई हैं, वो भी जा रही हैं हमारे साथ। और चलिए मैं आपको भी लेकर चलती हूँ फर्नीचर की मार्केट जा रही हूँ। जैसे कि नवरात्रे अब बस स्टार्ट हो ही चुके हैं, तो परसों नवरात्रे हैं, आज है 15th अक्टूबर, तो मैं आज जा रही हूँ। पता नहीं मैं व्लॉग कब अपलोड करूँ, लेकिन मैं 15th अक्टूबर को जा रही हूँ मार्केट। आज है थर्सडे, आज थर्सडे है, तो हमने सोचा कि क्यों ना, हमारे पास ना मंदिर नहीं था एक्चुअली, तो हमने ऐसे ही लगाया हुआ था, तो जो लकड़ी का मंदिर होता ना वो मैं लेने जा रही हूँ, हम लेने जा रहे हैं। साथ में एक चाहिए, एक जो रिवॉल्विंग चेयर होती है वो चाहिए, तो बस। और थोड़ा सा नवरात्रि का सामान भी ले आएंगे, मूर्ति है जो माता रानी की, उसकी ड्रेस वगैरह लेनी है, बस ये सब छोटा छोटा सामान है, तो आपको मैं लेके चलती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तो वेयर किया है आज मैंने ये ब्लैक कुर्ता है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो मैंने पहना है ये ब्लैक कुर्ता, इसका मैंने रिव्यू किया है, मंगवाया था ये, मैंने मम्मी के लिए था, मेरे लूज़ है काफ़ी, लेकिन मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा। ये भी क्रेप में है, तो मैंने पहन लिया, मैंने सोचा चलो आज यही पहनते हैं, तो चलिए मेरे साथ आप भी। अब जैसे फेस्टिव सीज़न शुरू हो गया ना, तो यहाँ पे रोड साइड पे ये जो सेरामिक के पॉट्स वगैरह हैं, इसकी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आई हुई है ना। इतनी अच्छी वैरायटी थी ना, जैसे गणेश जी के बने होते हैं, नीचे कुछ वास बने होते हैं, ऐसे इतनी बहुत अच्छी वैरायटी है। मैं भी कुछ लेके आई हूँ वास वगैरह, आज नहीं लेके, पहले लेके आई थी। तो अब हम पहुँच गए यहाँ पे मंदिर जहाँ पे मिल रहे थे उस शॉप पे, तो बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर थे यहाँ पे, छोटे साइज़ के भी थे, बड़े साइज़ के भी थे, हमें बस जो साइज़ ठीक लगा हमने वो ले लिया। लेकिन अगर आपके पास कम जगह है तो ये ठीक रहते हैं, दीवार पे भी लग जाते हैं, तो इसे हम देखते हैं कि कैसे करेंगे, दीवार पे लगाएंगे या अभी मंदिर में मतलब नीचे ही रखेंगे, देखते हैं अभी कौन सा सिलेक्ट करती हूँ मैं। तो बस ये लकड़ी के मंदिर हैं, बस यहाँ पर भैया ने पैक कर दिया और हम इसे ले आए। ये वाला मंदिर हमने लिया था, घर जाके मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, आगे वीडियो में आप देखना, मैंने इसको पूरा दिखाया है कि ये कैसा है। तुलसी के गमले ते लपेटन ले ला, आ तो मैं ले ला, आ दे तुलसी के गमले ते ना लपेटन, आ ले ला, आ ले मैं ये छोटा है तुलसी के गमले ते, ये कुछ लपेट रहा है। हैगी हरी भी हैगी है, तो एक पीली भी हैगी है, तो मोबाइल के नवा ले लें, आ देखिए बहुत प्यारा कलर लग गया, ये खराब हो गई सी जी अपनी पिछली बारी, लेना है कलर? नहीं नहीं और ले लें, कलर तो आएगी होंगे ना, चल बस पीली कलर है। अब
ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਲਿਆ ਹੈ ਬੇ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਗਾ ਇਹ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸਸੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋਗਾ ਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇਸਸੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ 10 10 ਹੈ ਦਿਖਾਣਾ ਕੌਣ ਸਾ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ अभी हम आए हैं वापस, शाम के 6 बज चुके हैं, 3:30 के गए थे हम। ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, जो भी मैं सामान लाई हूँ, मंदिर लाई हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। बस घर आए हैं और आते ही बस हमने आरो लगवाना था, वो वाले भैया आ गए, बस अब आरो लग रहा है तो मूंगफली खा रहे हैं। सीज़न की पहली मूंगफली लेके आए हैं। ये तो एक ऐसा चस्का है, जब बैठ जाओ तो बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो। ज़्यादा तो नहीं शूट कर पाई मैं, लेकिन जितना भी किया आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बताना, कमेंट करना और लाइक कर देना मेरी वीडियो को। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो मुझे सब्सक्राइब करना, मुझे बहुत आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब मुझे ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो चलिए थोड़ा सा काम हो जाए घर का, अभी आरो वाले भैया आए हैं, वो लग रहा है आरो, तो उसके बाद मैं आपको फ्री होके चाय पी के फिर दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या सामान लेके आई। मम्मा कैसी लगी मूंगफली? बहुत टेस्टी है। मम्मा कैसी है मूंगफली? अच्छी है ना? जो वैसे भी भुनी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, वो पैकेट वाले नहीं, दुकान वाली जो पैकेट वाली होती है वो नहीं इतनी अच्छी लगती ना। ये जो होती है मतलब जो भूनते हैं ये ज़्यादा अच्छी लगती है। दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही हो, क्योंकि पंखा चल रहा है। तो पहले तो ये लेके आई हूँ मैं मिट्टी का, जिसमें हम जौ करेंगे बीजेंगे, और साथ में ये एक लाई हूँ मंगल धूप, जिस मैं दुकान में गई थी। मैं अगर आपने थोड़ी सी उसकी क्लिप्स देखी हो तो इतनी अच्छी वैरायटी है ना उस दुकान में, तो इतने अच्छे अच्छे दुपट्टे थे माता रानी के। तो एक ये लाई हूँ, एक ऐसे वाला है, ये है, और एक ये दुपट्टा है। बहुत ही प्यारे प्यारे वहाँ पे ड्रेसेस हैं, अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप ज़रूर जाना, मैं आपको मेंशन कर दूँगी। एक ये मैं ड्रेस लाई हूँ, इसका कलर देखो कितना प्यारा कलर है इसका, मैं खोल के दिखा दूँगी। ये देखो कितना प्यारा ये दुपट्टा है, और ये उनके पूरे गले में आ जाएगा, तो ये बहुत ही प्यारी लगने वाली है। और ये एक कृष्ण जी की है, ये भी अगेन माता रानी की, और ये कुछ हार लाई हूँ उनके छोटे छोटे, और ये भी अगेन कृष्ण जी की है, और ये भी गाना जी की है। ये मैं दो बिछौने लाई हूँ, जो मंदिर के नीचे जो कपड़ा बिछता है वो लाई हूँ, और बस ये प्रसाद है कुछ, ये मैं एक लाई हूँ लोटा गड़वी कुछ भी बोल सकते हैं, ये तो ऐसे ही आ गए, ये पैर साफ करने वाला जो होता है,
प्लेट लाई हूँ। अगेन बहुत सारी धूप पत्तियाँ, मौली और ये छोटे छोटे हार बहुत ही क्यूट क्यूट से हैं, मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगे ना तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा ये। ये देखो बहुत ही क्यूट सा है, देखो कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है। और ये उसने मुझे सिर्फ 10 रुपीज़ का लगाया, प्यारा ना। आपको ये चीज़ें कैसे लगी है इसका कमेंट ज़रूर करना। और ये जो है बीचने के लिए बस ये चंदन पाउडर और ये नारियल और ख़त्म लिफाफा बिल्कुल। तो आइए मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ कि मैं कौन सा मंदिर लेके आई हूँ, बहुत भारी है ये। तो ये है मंदिर जो मैं लेके आई हूँ, लकड़ी का है ये। इसमें एक ही ड्रॉर है, ये ड्रॉर का जो साइज है वो ऐसा है, ठीक है थोड़ा सा सामान रखने के लिए मंदिर का, जो भी सामान होता है छोटा मोटा वो रखने के लिए। और यहाँ पे जोत रखने के लिए, और बहुत ही सुंदर सा इसका डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये है मेरा प्यारा सा क्यूट सा मंदिर। तो बस यही थी आज की मेरी शॉपिंग, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।